परद्रव्य में माध्यस्थपना प्रकट करते हैं। पिछली गाथा में किन के प्रति माध्यस्थपना प्रकट किया था, अब भी पढ़ा है अपन ने, शुभ अशुभ भावों के प्रति। अब उनके उदय में जो उनसे जो कर्म बने, उनके उदय में जो नो कर्म शरीर आदि मिले हमें, जिसको हमने वेद विज्ञान में मुख बनाते हैं आत्मा के विपक्ष पार्टी में, तो शरीर के प्रति माध्यस्थ भाव प्रकट करते हैं। शरीरादि परद्रव्य माध्यस्थम प्रकटयति तथा शरीर वांग मनसाम परद्रव्यत्वं विनिश्चय होती। तो शरीर मन वाणी ये परद्रव्य हैं, अब ये नक्की करते हैं, क्योंकि बाकी परद्रव्यों में तो हम सरलता से परद्रव्य बना मान लेते हैं, लेकिन जो शरीर है वो अत्यंत नज़दीक होने से, एक क्षेत्रावगाह होने से, हम उसके प्रति जो है परपना, तो ये मैं नहीं हूँ, ये परद्रव्य है, वो नहीं मान पाते हैं। कदाचित हम मान भी लें तो उनके लिए जो परद्रव्य स्वरूप मानने की शर्त है कि उनसे एकत्व स्थापित नहीं करना, उससे ममत्व स्थापित नहीं करना, उससे कर्तृत्व स्थापित नहीं करना, भोक्तृत्व स्थापित नहीं करना, तो इन सारी चीज़ कसौटी पर हम सही नहीं उतर पाते। फिर कहते हैं नहीं, शरीर की क्रिया करता तो मैं ही हूँ और उसका फल भी मुझको ही भोगना पड़ता है। अच्छे अर्थों में हो तो मैं भोगता हूँ, और यदि बुरे अर्थों में हो तो भोगना पड़ता है। यानी आखिर अंदर में ये परिणाम इतनी गहराई से छिपा रहता है कि वो श्रद्धा के लेवल तक पहुँचता है, पहुँच जाता है, नहीं कह रहा हूँ पहुँचता है माने अनादि से ही है। एक दफ़े उससे अलग हो गया हो तो फिर तो हम ये कहेंगे नहीं नहीं ये मिट गया और फिर चक्कर में पड़ गया। चक्कर में कब से पड़ा तो कहते अनादि से है, माने ये समझ लो कि हम उसका भेद विज्ञान उससे अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो एक साधारणीकरण हो गया। साधारणीकरण माने क्या, कि जैसे अपन सिनेमा देखते हैं ना, तो भले ही कोई राम हो श्याम हो उसमें नायक हो खलनायक हो, लेकिन अपन मोटा मोटा समझते हैं कि एक नायक होता है जो अच्छा आदमी होता है, हृष्टपुष्ट जवान होता है, सुंदर होता है, सबके आकर्षण का केंद्र होता है, और एक खलनायक होता है जो दुष्ट प्रकृति का होता है, मोटा ताजा होता है, पहलवान जैसा होता है, लड़ाकू होता है। ये मोटा मोटा आइडिया प्रत्येक भारतीय दर्शक को के छोटे 2 वर्ष के बच्चे को भी है, हैं? कि उसमें एक नायक होगा और एक खलनायक होगा, और नायक वो इस तरह का होगा और खलनायक इस तरह का, और उनके साथ एक साधारणीकरण का सिद्धांत होता है। साधारणीकरण का सिद्धांत क्या है, आचार्य रामचंद्र सूर्य ने बहुत विस्तार से इस पर लिखा है। साधारणीकरण का सिद्धांत, साधारणीकरण का सिद्धांत ये है कि जब आप कोई नाटक देखते हैं, नाटक के हिसाब से जल्दी समझा सकता हूँ मैं, तो उसमें जब नाटक देखते वक्त किसी ना किसी एक पात्र से मैं आप अपनापन स्थापित कर लेते हैं, ये मैं हूँ या ये मेरा है, क्या? अब उसके सुख दुख के साथ मैं सुखी दुखी होने लगता हूँ, उसकी जीत के साथ मैं अपनी जीत महसूस करने लगता हूँ, और उसकी हार के साथ मैं अपनी हार महसूस करने लगता हूँ। उसे बोलते हैं साधारणीकरण। माने हम नायक के साथ, लेखक का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व तो है कि जब वो उसका नाटक कोई देखे तो उसका नाटक के नायक के साथ तादाद में स्थापित हो जाना चाहिए, ये इस तरह उसे लिखना चाहिए। क्या मतलब, यदि उसका इस तरह चित्रण करेंगे कि जिससे आपको उसके प्रति घृणा हो,
उसे पाप करते बताएंगे, किसी माँ बहन से छेड़ते हुए बताएंगे, चोरी करते बताएंगे, तो आप उसके साथ अपना साधारणीकरण नहीं कर पाएंगे, भले ही आप वैसे हों। किसी विचित्र बात है, चोर व्यभिचारी भी सिनेमा देखने जाएगा तो वो चोर व्यभिचारी जो खलनायक है उसके साथ अपनापन स्थापित नहीं करता है, हैं, बल्कि जो नायक होता है उसके साथ अपनापन स्थापित करता है। तो ये उस लेखक की ये विशेषता मानी जाती है कि उसने जिसको नायक बनाया है उसका चरित्र चित्रण वो इस प्रकार करे कि हर पाठक उससे साथ अपनापन स्थापित। अब जितना महत्व होगा, जितना गहराई से वो कर पाएगा, वो उतना ही सफल नाटक है। बहुत से देखते हैं ना नाटकों में से बाहर खासकर महिलाएं रोती हुई निकलती हैं, आप समझे ना, यानी वे उसमें नाटक के नायक के साथ इतना साधारणीकरण हो जाता है कि यदि अंत में उसका मौत हो गई हो, उसको जेल हो गई हो, ख्याल में आई ना, तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे उसके पति को ही जेल हो गई हो, जैसे उसके बेटे को ही जेल हो गई हो, ऐसा महसूस करती है। तो वो जो यदि अलग अलग रस होते हैं ना, तो उस रस का परिपाक उसे जब ही महन माना जाता है। क्या भरत मुनि हुए हैं 2000 वर्ष पहले नाट्य शास्त्र के, ये अपने नहीं, तो उनने ये लिखा है कि रस ही काव्य की आत्मा है। कविता में रस का परिपाक होना चाहिए। क्या वीर रस का नाटक है तो वीर रस का परिपाक होना चाहिए, श्रृंगार रस का नाटक है तो श्रृंगार रस का परिपाक होना चाहिए, आप समझें, हास्य रस का नाटक है तो हास्य रस का परिपाक होना चाहिए। मैं कई दफ़े कहा है, शायद तुम लोगों को नहीं होगा याद, लेकिन एक दफ़े और बताता हूँ कि स्टेज पर आप लोग नाटक करते हो तो कभी कभी वो एक है ये बताने के लिए कि सारा संसार बहुत अनित्य है और कोई भी आदमी किसी समय भी मर सकता है, मैंने ये क्षणभंगुरता बता रहे हैं ना, तो ये वैराग्य का पोषक नाटक है ना, कि लोगों को इसका ख्याल आकर के मौत याद आवे अपनी और उसको एक गंभीर होके के वो निकले। फिर आप क्या करते हैं उसके लिए कि वो आदमी आता है कि एक डॉक्टर है, मरीज को देख रहा है, ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते करते मर गया, है ना। एक मुनीम जी हैं, रोकड़ वही लिख रहे हैं और रोकड़ वही लिखते लिखते मर गए, समझते हो आप, नाटक कौन देखा होगा, तुम लोगों ने किया भी होगा। उसका सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि वो नाटक तो है वैराग्य रस का और उसमें एक भी आदमी को वैराग्य तो होता नहीं, सब हंसते ही हैं। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उसकी जो पोशाक है वो पोशाक भी हम ढंग से नहीं बना पाते हैं। वो वकील को बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा अप टू डेट और बिल्कुल अपना मुवक्किल को बचाने वाला ऐसा वकील नहीं बनाते हैं। वो वकील भी ऐसा हंसिया मजाक दिया ऐसी नजर रख करके, मुनीम जी भी ऐसे बैठा देंगे कान पे एक कलम रखकर। मेरा मतलब ये है कि हम सारा श्रृंगार हास्य रस का करते हैं। वो डॉक्टर बनाएंगे तो डॉक्टर को ऐसा नहीं बनाएंगे वो अत्यंत गंभीर है मरीज के प्रति, इलाज के प्रति, और बिल्कुल सेवा भाव से वो संलग्न है और रात के 2 बजे भी बुलाया तो एकदम चला जाता है। मतलब उसको उनकी ड्रेसिंग वहीं से वो गलती हो गई, यानी वो हर एक आदमी समझता है नाटक लिखना इतना आसान है, जिसने ये नाटक लिखा हो, जो नाटक इसे पसंद आता है, आप लोग दिखाते हो ना स्टेज पे, सबसे ज़्यादा नापसंद मुझे आता है, क्योंकि ये
लेखक महामूर्ख, उसका ड्रेस बनाने वाला महामूर्ख, पाठ करने वाले महामूर्ख, यानी नाट्य शास्त्र की किसी भी चीज को वो जानते नहीं हैं। मूर्खों के सरदार इकट्ठे हो गए। कैसा डॉक्टर साहब, कैसा लगा आपको? 5 मिनट आप बोलिए कि मेरे से मत बनवाओ। क्यों, तुम्हारा नाटक करो और उसके बाद में यही बोलूं जो अभी बोल रहा हूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सत्य तो यही है, कि रस का परिपाक होना चाहिए। अलग अलग आचार्य हुए, एक कुंतल आचार्य हुआ, वो तो कहता है वक्रोक्ति काव्य लक्षणम, काव्य की आत्मा वक्रोक्ति है। सीधी सीधी तुमने कोई बात कह दी तो वो काय का नाटक है, काय का काव्य है। बात कहीं कहीं जा रही है और निशाना कहीं लग रहा हो, ऐसा कथन हो, वक्र उक्ति हो, तो वो न वो काव्य की आत्मा है। काव्य माने नाटक भी काव्य है और सब उपन्यास भी काव्य है, और काव्य तो काव्य है ही, जो महाकाव्य समझिए हैं। ऐसे कई आचार्य हुए नाट्य शास्त्र में 2000 वर्ष में, समझे ना, और उनने अलग 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 उनकी मान्यताएं हैं कि कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, और अंत में एक विश्वनाथ कवि हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी 1000 पेज की किताब है, क्या नाम है उसका, साहित्य दर्पण। उस साहित्य दर्पण में उन्होंने सारे 2 वर्ष में जो कुछ भी नाट्य शास्त्र के बारे में मान्यताएं आई थी और चर्चाएं हुई थी उनकी समग्र रूप से समीक्षा की है। जैसे अपन ने वो नए चक्र किया ना 2000 वर्ष में, जो भी आया और सबको एक जगह समेट लिया, चाहे वो नए चक्र हो, चाहे माल धवल का हो, चाहे इसमें हो, चाहे वो अनंगार धर्मामृत में नए आए हों, चाहे तत्वा सूत्र में नए आए हों, उन सबको एक जगह समेट लिया ना फुटकर फुटकर। तो ऐसा उन्होंने तो वो काव्य तीर्थ में साहित्याचार्य में वो साहित्य दर्पण कोर्स में रखा जाता है, वो सारी समीक्षाएं होती हैं। तुम तो नाम भी नहीं सुने होंगे क्या, ये आजकल तो साइंस वाइंस की पढ़ाई हो गई है, इसमें साहित्य की बहुत नुकसान किया, क्योंकि उस क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोग आते नहीं हैं, गहरा अध्ययन करने वाले लोग आते नहीं हैं, उन्हें कुछ पता होता नहीं है, आप समझे ना, और सब लेखक बन जाते हैं फटाफट। दादा हम एक नाटक करेंगे, और अभी कहाँ है, कौन सा नाटक है बताओ जरा, कौन सा नाटक करोगी, लिखेंगे हम, लिखेंगे, कि कौन लिखेगा, कि हम ही लिखेंगे और कौन लिखेगा। तुम जानते हो नाटक किसे कहते हैं, वो सब लिखा हो जाता है, वो कहाँ फटाफट लिख देंगे, आज रात में लिख देंगे, कल आपको सुना देंगे, परसों सुना देंगे। सब स्टेज पर वो चकते उचकते आते हैं, धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, तो हास्य रस का ही परिपाक होगा ना। वो टोडरमल जी का भी नाटक दिखाते हो ना, नाराज मत हो जाना, चोरी शादी करके सुनना सीखो, तो उसमें भी आप सबको हंसाते हो, टोडरमल को फांसी लग रही है और आप ऐसे दृश्य दिखाते हो, ऐसा अभिनय करते हो कि सब हंसते, सही है आपका नाटक। आप जानते हैं टोडरमल का नाटक कैसे होना चाहिए, और आपको दिखा रहे कि हाथी के पाँव के नीचे उसे दाब के कुचल के उन्हें आज्ञा दी गई है, और वो नाटक दिखा रहे हो आप टोडरमल का हैं, और वहाँ पर सब हंस रहे हैं, ऐसे दृश्य दिखा रहे हो। यदि वो नाटक आप दिखाएं तो दरवाजे पर निकलें और फिल्म बनाएं किनकी, दर्शकों की, तो एक आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी आंख में आंसू ना हो, तो तुम्हारा नाटक सफल है। ये बता रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लेना, ये तुम्हारी क्लास है, ये अध्यापकों को भी पढ़ा रहा हूँ जो उन्हें परमिशन देते हैं, मंजूरी देते हैं, क्या कर लूँ क्या। वो जो मैं कोई बहुत गहरी बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल न्याय संगत बात है ना,
कि तुम दृश्य कौन सा दिखा रहे हो कि टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है और वो अत्यंत लोकप्रिय विद्वान हैं और आज की हमारी अनंत श्रद्धा के पात्र हैं, क्यों है? उसमें हास्यरस का क्या काम है? और उसी सीन में टोडर मल की भी ड्रेस ऐसी बनाएंगे कि जैसे कोई वो आते हैं ना, ये नट लोग आते हैं ना, देख करके देखते बम रूपिया जैसी, एक गंभीर व्यक्तित्व का विद्वान ऐसा हो कि जिसके दर्शन करते ही हमारा हृदय गदगद हो जाए, जिस हमारी श्रद्धा से हमारा हृदय भर पड़े। तो ये ड्रेस भी ऐसी होती है ना, मैंने जो बहुत गंभीरता को लिए हुए हों, हैं? अभी अपनी क्या बात चल रही थी? क्या शरीर, अब हमने जो सारा शरीर के संबंध में हमारे पास जो कुछ भी दिखाने को है वो शरीर के एक्शन, नाटक में एक्शन से है। अब ऐसा कहा था कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्यम शकुंतला, सुना कभी ये? कि काव्यों में नाटक सबसे बढ़िया होते हैं। अब नाटक को काव्य ही नहीं मानते हम, तो वो छंदबंदी होती है ना उसको काव्य मानते हैं क्या? पहले नाटक भी कविता में लिखे जाते थे, वो संवाद बोलते थे ना, तो वे भी कविता में बोलते थे। और वो बहुत पुराना जमाना नहीं, हमने देखे वो नाटक, ये भगवत स्वरूप वगैरह के बनाए जाते थे, वो किए जाते थे ना, तो आपने श्रीपाल मैना सुंदरी नाटक, तो वो सब उसमें कविताओं में लिखे थे। तो हम साहित्य प्रसाद की परीक्षा दे रहे थे तो हमें पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं, सब हमको अपने आप ही पढ़ना पड़ता था। तो एक प्रोफेसर चक्रवर्ती थे जो कॉलेज में लेक्चरार थे, तो हम उनको निमंत्रित करके लाए, और निमंत्रित करके लाए और उनसे कहा कि हमको एक दो तीन व्याख्यान उपन्यास नाटक शास्त्र पर, उपन्यास शास्त्र पर, काव्य शास्त्र पर आपके हो जाएँ तो हमको थोड़ा आइडिया। तो मुझे याद है उनने ये कहा था कि हम नाटक लिख रहे हैं, कविता में लिख रहे हैं, तो उनने कहा कि रामचंद्र जी जब सीता के पास गए होंगे बन जाने के लिए हैं, तो उनने यही कहा होगा, अहम गमस्यामि महाबनम प्रिय तो या ही वस्तव्य यही वे भावनी, कि हे भावनी मैं महाबन को जा रहा हूँ और तुम्हें यहीं रहना चाहिए। तो ऐसी कविता में ही बोला होगा, ऐसा बोले वो कि गद्य में बोला होगा, बोला अर्थ तो समझ में आया होगा ना, बहुत सरल है, संस्कृत है ना, अहम गमस्यामि महाबनम प्रिय त्वया हि वस्तव्य यही विभाविनी, मैं महाबन में जा रहा हूँ पिता की आज्ञा से और आपको यहीं रहना चाहिए है? ये बात कह रहा सीता से रामचंद्र जी। अब कितना गंभीर प्रकरण है, ये कोई घूमने जाने की बात थोड़ी कर रहे, उन्हें वे तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं, उन्हें राज तिलक होना था और अब उनको वनवास दिया जा रहा है कि बिना कोई साधन लिए यहाँ से नंगे पैर और निकल जाओ, कोई राज्य का कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं जानी चाहिए, नौकर चाकर सवारी घोड़ा गाड़ी कुछ नहीं है? खाने पीने की व्यवस्था भी आप अपनी जुटाना रोजाना अलग से, ऐसे ही गए थे ना रामचंद्र जी जब वन में गए थे, तो हिंदुओं के रामचंद्र जी भी ऐसे ही गए थे और अपने जैनियों के रामचंद्र जी भी ऐसे ही गए थे, कि कुछ सब उस ठाट बाट के साथ गए थे ना। तो उस प्रकरण को यदि हम स्टेज पर प्रस्तुत करें, क्यों, तो नाटक वालों को ये सुविधा है
कि वो अपने एक्शन से भी कोई चीज़ बता सकते हैं। कवि को बेचारे को तो बस उसे तो अपनी पंक्तियों में ही सब कुछ बताना पड़ेगा, उसे जो वातावरण बनाना पड़ेगा क्या वो तो अपनी अकेली लेखनी से ही बताना पड़ेगा। उसके पास स्टेज नहीं है, उसके पास ड्रेस नहीं है, उसके पास और साधन नहीं है, तो नाटक सबसे ज़्यादा साधन नाटक के पास होता है। तो नाट्य कला इसमें बहुत मतलब महत्वपूर्ण मानी है। तो उन्होंने कहा काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक सबसे सुंदर काव्य है, और तत्र रम्यम शकुंतला, और नाटकों में शकुंतला सबसे बढ़िया है। अब शकुंतला कालिदास का नाटक है ना, अभिज्ञान शाकुंतल नाम है उसका पूरा। तो जब हजारों नाटक लिखे जाते थे, भास ने नाटक लिखा आता ना, हास का नाटक है भासु हासा, हास्य कवि हास्य रस में प्रधान नाटक भास कवि के हैं। तो ये अलग अलग हैं और वो लिमिटेड ही जिंदा रहते थे, बाकी तो सब आपने एक दफ़े लिखा खेला और बस फिर गड्ढे में चला जाता है। वे नाटक कहीं दिखते हैं आपको जो स्टेज पे बना लेते हैं, करते हैं, छपते हैं, रहे हों, साहित्य में आए हों, उनकी समीक्षाएं हुई हों, जो आज कालिदास को 2000 वर्ष हो गए और उनके नाटक की चर्चा आज होती है, मेरे कहने का मतलब। तो ऐसे सैकड़ों नाटक लिखे गए। तो यहाँ अध्यात्म में हमेशा नाटक लिखा गया, हम नाटक के वो पात्र उसमें देखें तो कहाँ से मिलेंगे, क्यों नाटक समय सार अमृतचंद्र ने इसका नाम नाटक दिया, बनारसी दास ने दिया हो ऐसा नहीं है, लेकिन बनारसी दास कवि थे, वो नाट्य शास्त्र के नियमों को जानते थे और कविता में लिखना था तो उन्होंने वो नोट्स भी जो आप कोष्टक में लिख देते हैं, क्या 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 लिख देते हैं कि वहाँ पर राजा साहब बैठे थे, फिर मंत्री आए तो उनने झुकते हुए नमस्कार की, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया, ऐसा लिख देते हैं ना। तो इस सीन को आपको ऐसा सीन बनाना है। अब बनारसी दास क्या करें, अब उन्हें सब अपनी वाणी से ही करना है। तो को शिष्य कहे गुरु पाही, राग दोष पुण्य पाप दो समनाही। अब को शिष्य अब वहाँ कहे गुरु से कह रहा है, ये तो नोट उसमें लिखने का था ना कोष्टक में, आप समझे ना, लेकिन वहाँ तो कोष्टक नहीं है। तो वो शिष्य पूछ रहा है, हैं कहे गुरु आपने ऐसा कहा है, सारे स्वभावों का निषेध किया है, पर मेरे मन में एक शंका खड़ी होती है कि ये सारे स्वभाव निषेध हैं तो मुनि की अवस्था तो निरावलंब नहीं है। अब उन्हीं को वहीं पर ये बताना है कि शिष्य ये पूछ रहा है, विनम्र हो के पूछ रहा है, हाथ जोड़ के पूछ रहा है, और गुरु जी एकदम आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं, हैं? उनको अवलंब तो उन्हीं के पाही है, उनका अवलंब तो उनके अंदर ही विद्यमान है, उन्हें दूसरे के अवलंबन की क्या जरूरत है। तो अब समझो उन नाटकों एक सारा इसकी समीक्षा हो, 2000 वर्ष में कितने नाटक लिखे गए जो जिंदा हैं और कितने प्रकार के लिखे गए और उनमें किस तरह से चेंज करने की ज़रूरत पड़ी कि यदि वो अकेली कविता में ही नाटक है तो वे टिप्पणियाँ भी हमें कविता में ही हैं लिखनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दो हैं, देह और आत्मा। देह माने आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ, देह का एक शब्द देह जैसा ही कोई शब्द दूसरा बताओ जो हम देह की जगह कह सकें, अथवा ये देह किसके लिए उपयोग किया जा रहा है। हमारा कोई नहीं बोलना नहीं, मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए
एक दो मिनट रुकता हूँ फिर बताऊँगा क्या चल रहा। अधिकार का नाम क्या है? ज्ञान के व्यवहाराधिकार। तो ज्ञान माने आत्मा और गे माने देह, यही है माने ये गे का गे की प्रतिनिधि है, है? ये देह माने हाथ पैर हड्डी पैरों वाली नहीं, समझ आए ना। ये गे जो है वो किसकी प्रतिनिधि है? देह की। तो अपना आत्मा अपने लिए ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है ना, और सारा जगत उसके लिए गेय है, ठीक है। अपना आत्मा भी गेय है, लेकिन यहाँ पर जब भेद विज्ञान की बात आती है तो चूंकि अपने आत्मा से तो भेद विज्ञान करना नहीं है तो उसे जरा बगल में रख देते हैं, और जब कहते हैं तो इस भाषा में कहते हैं कि वो गायक रूप से ज्ञात हुआ, समझ रहे हैं, गायक रूप से ज्ञात हुआ। मन ज्ञान में तो आया लेकिन जानने वाले के रूप में आया वो स्टेज पे, और उसके जो गुण हैं उनमें नहीं आया, ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ। अभी तो उसे बगल में रखो। तो गे माने सारी दुनिया, और अब देह काय के लिए प्रयुक्त हुआ है, सारी दुनिया के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो जो हमारे ज्ञान के गे बनते हैं उनसे अपने उस ज्ञान स्वभावी आत्मा को से भेद विज्ञान करना है, ये प्रकरण चल रहा है। तब दो पार्टी हो गई ना, कौन कौन? आत्मा और देह। अब यहाँ जब भी देह बोलोगे तो हमारे ध्यान में गे आना चाहिए, देह बोलते ये नहीं आना चाहिए। उन सबसे भेद विज्ञान कराना है ना। शरीर आदौ अपि परद्रव्य माध्यस्थम प्रकटति, तो शरीर आदि परद्रव्य में मध्यस्थता प्रकट करते हैं। तो परद्रव्य पूरा परद्रव्य में आ गया ना, सब पूरे गेय आ गए ना। तो एक शब्द में मैंने कहा कि देह जैसा ही गेय है ना, तो एक शब्द से कहें तो हमें गेय कह सकते हैं। अभी इसे बार बार गेय कहेंगे तो साधारण लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा, और देह कहेंगे तो सबकी समझ में आता है। अब दिक्कत ये है, देह कहते ही वो इसे इसे देह समझता है, तो इससे भिन्नता की बात करता मैं खत्म। मैंने वो देह में स्त्री पुत्र को भी शामिल नहीं करता है। क्यों? तो एक बात पर ध्यान दिलाता हूँ तुम्हारा, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से घटपट रस आदि द्रव्यों का आत्मा करता है, है ना। तो ये घटपट रस क्यों लिखा? अपन तो पढ़े हैं नए चक्र में कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया देश पैसा देश गांव इनको अपना कहना वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नए है, कहते कि नहीं कहते? फिर देह को अपना कहना वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। तो उनने स्त्री पुत्र मकान जायदाद को क्यों नहीं लिया? वहाँ घटपट रथ का है वो ले लिए। हमें घटपट रथ से क्या लेना है? घटपट रथ का मतलब तो समझते हो ना, खटपट नहीं, घटपट। घट माने घड़ा, पट माने एक कपड़ा, और रथ माने बैलगाड़ी सवारी। आचार्यों के सामने वैसे तीन चीज़ें दिखती थी। महिलाएं भी आहार करने जाते थे नगर में, तो महिलाएं कुएं से पानी भरकर माथे पर घड़े रख कर के लाती थीं, और ये हमारे ज्योतिष शास्त्र वाले कहते हैं कि भरे कलश आए तो हमारे लिए मंग शुभ होते थे, और खाली घड़े आए तो अशुभ होते थे। तो लोग जब भरे कलश मिलते थे तो उनमें पैसा डाल देते थे, मैंने हमारे लिए तूने शुभ शकुन किया। तो एक घड़ा दिखता था आचार्य महाराज को, और एक कपड़े पहने रहते थे लोग, वे तो नहीं पहनते थे हैं, और रास्तों में जानने में ये बैलगाड़ियाँ चलती थीं, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा बगल में होना पड़ता था। रास्ते तो ऐसे ही थे ना, छोटे छोटे ऐसी
दो दो आपके गांव में देखी तो होंगी आपने, आज जैसी सड़कें थोड़ी थी, दो रास्ते एक साथ साथ दो दो पहिए चलते थे, उनके बन जाते थे, क्या बोलते हैं उनको गढ़वाच, क्या बोलते ऐसा कुछ बोलते हैं बुंदेलखंड का तो बोलते हैं ना गढ़वाच, ऐसा बोलते हैं ना, माने गाड़ी के चलने से जो वे रास्ते बन जाते हैं, जानते तो सब हो गए ना, इतना जमाना थोड़ी अभी आगे बढ़ा है, हा? तो मुनि महाराज उसमें से जा रहे हों तो वहीं तो जाएंगे ना, क्योंकि प्रासु जगह तो उन्हें वहीं मिलेगी निर्जंतु, है ना, उसमें से जाएंगे और सामने से बैलगाड़ी आएगी, अब बैलगाड़ी तो उसमें से हट के बगल में जा नहीं सकती, वो तो रेल की जैसे रेल पे से आती है, तो रेल तो यहाँ वहाँ मुड़ नहीं सकती है, वो तो अपनी रेल पे ही से जाएगी, अपन को ही रेल की पटरी से अलग होना पड़ेगा ना, तो महाराज को भी अलग होना पड़ेगा कि नहीं, वो कितने ही बड़े महाराज हों, वो गाड़ीवान तो साधारण आदमी होता था, और महाराज इतने बड़े होते थे कि राजा भी जिनके चरणों में लौटते थे, और उन महाराज को भी उस गाड़ी वाले को रास्ता छोड़ना पड़ता था, तो उन्होंने वो घटपट कर कह दिया, तो फिर अपन भी घटपट रहते ही चला देते ना, तो समय सार की गाथा मिल जाती है अपन को, तो लेकिन अपन को घटपट रथ से किसको क्या लेना देना है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव दुनिया, ये जो हमारे उपचय दशधूत व्यवहार नये के विषय हैं, हमें इससे ज्ञान कराना है, इससे वेद विज्ञान कराना है, हैं? अभी तक घड़ा तेरा नहीं है उससे क्या मतलब, इसलिए जो घट शब्द हम बोलते हैं तो घट शरीर को भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, कोई का छंद सुना सकते हो जिसमें घट शरीर को कहा हो, हाँ बोलो बोलो कुछ बोलो, घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, तो घट 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 का तो शरीर का अर्थ में ही है ना, हर शरीर में आत्मा बसता है, इसके अर्थ में भी है, तो अब छंद बोलो ये पढ़ो बढ़िया, दो छंद पढ़ो 160 और 161, राहम देहो रमणो रचेव वाणी कारणम ते सिम कत्ताण कारेदा अणुमंताणेव कतीणम देहो यमणो वाणी कोगल दब्बप्पगत्तिणे देठा कोगल दव्वं हिपुणो पिंडो परमाणु दबाड़म देह मन वाणी न उनका करण या करता नहीं ना कराऊं मैं कभी भी अनुमोदना भी ना करूं देह मन वच सभी पुद्गल त्रव्यमय जिन वर कहे ये सभी जड़ स्कंद तो परमाणुओं के पिंड हैं। बहुत सीधी सरल गाथाएं हैं, उन्हें भेद विज्ञान कराना है ना, तो ये दूसरी पार्टी का परिचय दे रहे हैं, दूसरी पार्टी माने जिससे उन्हें भेद विज्ञान कराना है, भले ही इसमें से कितने ही कुछ गिनाए हों, लेकिन अपना सीधा सच्चा अर्थ है ये, माने सब, भले दो नाम लिखे हों चार नाम लिखे हों किसी का भी लिख दिया हो, लेकिन उसका अर्थ है सारी दुनिया, समझे, सारी दुनिया का अर्थ है, दुनिया में जो 6 अरब आदमी रहते हैं वे नहीं, पुद्गल भी, धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी, क्योंकि अपनी दुनिया तो षड द्रव्यमयी है ना, किन हु ना करे ना धरे को षड द्रव्यमयी थे, तो वो देखो ना हम देहो मैं शरीर नहीं हूँ, ना मनो मैं मन नहीं हूँ, और ना वाणी ना मैं वाणी नहीं हूँ। अब देखो वैसे तो देह में वाणी भी आ जाती मन भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये तीन है ना मन वचन काय, और इनके उपयोग प्रयोग होता है, इसलिए उन अकेले देह के साथ में तीन चीज़ें गिना दी,
कि मैं शरीर मन और वाणी इनका कर्ता नहीं हूँ। अब इसका सीधा सच्चा अर्थ हो गया कि मैं सोचने की क्रिया का कर्ता भी नहीं हूँ और बोलने की क्रिया का कर्ता भी नहीं और शरीर की क्रिया का कर्ता भी नहीं। ऐसे हो गया, देखा ना, ना हम देहो ना मनो न चैव वाणी च कारणम तेसिम, मैं उनका कारण उनका कारण नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ, कराने वाला नहीं हूँ और अनुमंता नहीं हूँ, मतलब अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूँ। तो वो दो तीन चीज़ें गिनाई ना, देह मन वाणी, उसका अर्थ भी सारा गे है और इनका मैं कर्ता नहीं, करता नहीं माने मुझे षट कारक का कोई संबंध नहीं है, आठ कारक का कोई संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, ये है माने ये सब प्रतीक के रूप में प्रयोग हुए हैं। इनका अर्थ अकेला जो उस शब्द डिक्शनरी में लिखा है ना वो नहीं लिया जा सकता है, और डिक्शनरियों से पढ़ पढ़ करके कोई भी महाशास्त्र नहीं समझे जा सकते, क्योंकि उनमें तो उस टाइप के प्रयोग डिक्शनरी लिखने वाले समझते भी नहीं हैं और कर भी नहीं सकते, कहाँ कहाँ लिखेंगे, क्योंकि हर धर्म में अलग अलग, हर एक का अलग अलग है ना। अरे वो तो डिक्शनरी तो सबकी कॉमन बनती है कि नहीं, उसमें तो जो शब्द लिखा है होगा हैं, भव्य, अब डिक्शनरी में भव्य शब्द देखोगे तो भी तो कहीं भू धातु से बना है और फलाना प्रत्यय लगा है इसलिए होने योग्य ऐसा होगा, जी अर्थ होगा ऐसे ही बोलेंगे, मैंने मोक्ष में जाने योग्य की योग्यता जिसमें है ऐसा अर्थ, तो अपने जैन धर्म का स्पेशल अर्थ है ना, तो कोई जैन जानने वाला ही बता पाएगा ना। हमारे यहाँ ऐसा कहते थे कि भाई एक बहुत बड़े विद्वान आए संस्कृत के, तो उनसे सामने एक तत्वासूत्र का सूत्र रखा कि साहब इसका अर्थ बता दीजिए हमें, कौन सा सूत्र था हैं, अवग्रह अवाय धारणा, अवग्रह यह अवाय धारणा, तो वो कहते हे अवग्रह यह अवाय को धारण करो नहीं वो बेचारा क्या करे, उसमें से कर्ता कर्म क्रिया ये देख रहे हैं ना, यही तो करते हैं ना, सबसे पहले कर्ता देखते हैं, फिर देखते हैं कर्म किसको किया क्या किया, वो सब मिलाएंगे तभी तो वाक्य बनता है। अब तुम्हें क्या पता कि चार चीज़ें गिना दी हैं, और पहले सूत्र में मतलब प्रकरण चल रहा है मति ज्ञान का, और उसमें जो चार चीज़ें होती हैं तो इसमें और कुछ नहीं है, बस चार चीज़ों के नाम गिना दिए। ऊपर के वाक्य में लिखा कि दशरथ के चार बेटे थे, अब वो तो आप पढ़ो नहीं, और आप राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तो बेचारा क्या अर्थ करेगा, हे भारत हे भारत के भारत के रहने वाले, ये भरत एक क्षेत्र है, क्या अर्थ करे वो समझ गए ना। तो मेरे कहने का मतलब हर दर्शन हर फिलोसफी हर ज्ञान के क्षेत्र की पूरी अलग शब्दावली होती है, और ऐसे हजारों क्षेत्र हैं, मेडिकल का क्षेत्र, बकारात का क्षेत्र, और सबकी शब्दावली अलग होती है और उनके सबके विशिष्ट अर्थ होते हैं, क्या है ना। तो वहाँ वो अर्थ नहीं, अभी 420, अब 420 का अर्थ बेईमान बदमाश एक कहाँ होता है, लेकिन वकालत में होता है, क्योंकि 420 दशा जो बेईमान बदमाश लोग होते हैं ना उनके विरुद्ध लगाई जाती है, हैं वो कहते हैं नाटक लिखोगे यदि किसी पुलिस वाले को तो वो धमकाएगा, तू समझता क्या है, अभी 302 में धर दूंगा, कि 302 में धर देगा क्या करेगा, 302 नंबर का कमरा है उसमें रखेगा कि तीसरी मंजिल पे दूसरे कमरे में रखेगा, होटलों में नंबर होते ना, तो पहला अंक होता है मंजिल का, दूसरा अंक होता है कमरे का, समझे ना। तो वो हर ज्ञान के क्षेत्र का
हर एक आदमी तो विशेषज्ञ नहीं हो सकता। तो डिक्शनरी का नाम देहो ना मनो, अपन यही पढ़ रहे थे ना, मैं देह मन और वाणी, ये तीन चीज़ें जो हैं जो अपने शरीर के ही अंग हैं और निरंतर इनका अपन उपयोग करते हैं और ऐसा अपन मानते हैं कि ये मेरे हैं, है ना, मैं इनका स्वामी हूँ और मैं इनका कर्ता हूँ और मैं इनका भोगता हूँ। तो वो कहते हैं कि देह मन और वाणी इनका कारण नहीं हूँ मैं, कर्ता नहीं हूँ। कारण माने करण, वो है ना कर्ता कर्म करण संप्रदान, उसके अर्थ में है। और कर्ता नहीं हूँ और कार्यता कराने वाला नहीं हूँ और अनुमंता अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूँ, इन सब का मैं ये नहीं हूँ। इसका मतलब ये देह मनो वाणी, क्योंकि देह मन और वाणी ये पुद्गल द्रव्य हैं, ये पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है, हैं पुद्गल दबप गति निर्दिष्टा, निर्दिष्टा माने कहा गया है ये पुद्गल द्रव्य के हैं। पौगल दब्बम पुणु, और पुद्गल द्रव्य क्या है तो कहते परमाणु दब्बाणम, परमाणु द्रव्यों का मिला हुआ स्कंद है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि ये चीज़ों का ये इतनी चीज़ें गिनाई, वो सब का एक नाम क्या है देह, एक नाम क्या है गे। मैंने मूल मुद्दे की बात हम उसे ध्यान में रखेंगे तो हम अधिकार कौन सा चल रहा है भेद विज्ञान का, तो भेद विज्ञान का है तो नक्की तो करना ही पड़ेगा ना किसका किससे, तो दो पार्टी तो खड़ी करनी ही पड़ेंगी कि ए मैं हूँ और ए मैं नहीं हूँ। मैं ज़रूर चाहिए, ऐसा नहीं है, ये चाइना अलग है और रसिया अलग है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करना है। कैसा करना है, चाइना अलग है और भारत अलग है, माने उसमें एक पार्टी अपन होना चाहिए। ये शायद अपन ने लिखा है ना नए चक्र में लिखा कि मैं कौन हूँ की किताब में लिखा कि हैं कि उसमें एक पार्टी अवश्य होना चाहिए। अध्यात्म के नए किसे कहते हैं, ये तो तुमने पढ़ा होगा ना, जिनने नए चक्र पढ़ा है वे जानते ही होंगे कि अध्यात्म के नए किसे कहते हैं। तो ये जो चार नए, चार व्यवहार और चार निश्चय है ना, ये आठ अध्यात्म के नए हैं। ये क्यों हैं अध्यात्म के नए, इनकी एक एक पहचान बताओ, हम ये पहचान लें कि ये अध्यात्म का नए है। सोचो, पूछना होगा तो पूछूंगा, नहीं अकेले बता ही दूंगा, खबर नहीं। इसमें एक पार्टी आत्मा अवश्य होना चाहिए। हम कहेंगे स्त्री पुत्र आदि अपने आत्मा से जुदे हैं तो एक नए लग गया, फिर देह आत्मा से जुदा है तो दूसरा नए लग गया, फिर राग आत्मा में पैदा होता है तो तीसरा नए लग गया, कि संबंध सुनो केवल ज्ञान भी आत्मा में होता है तो चौथा नए हो गया, आत्मा रागी है तो पांचवा नए हो गया, आत्मा सम्यक दृष्टि है तो छठवा नए हो गया, आत्मा केवल ज्ञानी है तो सातवा हो गया, और आत्मा इनमें से कुछ नहीं है तो आठवा हो गया। तो हर एक में आत्मा लगा ना, हर एक पार्टी वो आत्मा हमेशा उसमें खड़ी रही तो वो अध्यात्म का नए है। अध्यात्म का नए कौन है, कैसे पहचानोगे तुम, तो अभी आठ गिनोगे तो ये आठ तुम्हारे दिमाग में, जैसे मैं बोलता गया ना ऐसे होना चाहिए, ये फटाफट बोलते हैं, सोचना नहीं पड़े, किताब नहीं देखनी पड़े, क्या बस इतना ही तुम्हारे दिमाग में घूम जाता है। यदि तुम लगा देते हो तो तुमने नए चक्र के 200 पेज पढ़ लिए, मैं 200 पेज में इतना लिखा है बस, क्या वो एक पार्टी आत्मा अवश्य होगी और दूसरी पार्टी कोई दूसरा कुछ नहीं होगा। आप और द्रव्या से पदार्थ में छह द्रव्यों पर भी लग जाएंगे तो आप कोई भी दो द्रव्य ले लेंगे, ये लोग एक ही द्रव्य पर चले जाएंगे, होते जाएंगे,
आगम के वे आगम के नए कहलाते हैं, ये परमागम के नए कहलाते हैं, वे आगम के नए कहलाते हैं, ये अध्यात्म के नए कहलाते हैं, हैं समझना हो गया समय। मेरे ख्याल से एक गाथा भी हो गई, गाथा में ज़्यादा है नहीं, अभी पढ़ूँ ना तो 10 दफ़े रिपीट किया है। तुमसे मैं कल ऐसी परीक्षा लूँगा कि एक तो पढ़ाऊँगा पहले सबसे और फिर कहूँगा नौ तुम वैसे ही बनाओ, बाकी इसमें नहीं। तो मैं पढ़ता हूँ, ये दफे ख्याल में आएगा। मैं शरीर वाणी मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे इनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है, मैं उन सब के प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ, ऐसी भावना भाव। अब कार्यक्रम मैं शरीर मन वाणी को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, फिर अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं, तो विस्तार से जो समझाए तो दस ही पे घटित करके उनने बता दिए क्या कि मैं शरीर वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ। वे कहते हैं कि मैं मन शरीर वाणी नहीं, उसको फिर अचेतन पे लाए कि इनका आधारभूत द्रव्य कौन है, अचेतन मतलब ये पुद्गल से बनी है ना, ऊपर बता दिया ना, तो पुद्गल अचेतन है, तो इनका आधारभूत जो अचेतन है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना ही ये अपने स्वरूप को धारण करते हैं, मैं नहीं हूँ तो भी ये बन जाते हैं, इसलिए मैं शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। अब इसमें कर्ता पे, कारण पे, करण पे, अनुमोदक पर, सब पर घटित किया है। एक जने पढ़ो, अच्छा अच्छा कला वाला शांति से, हाँ टीका पढ़ो, पूरी टीका पढ़ो और ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास किताब भी है, देखना भी, तो सब ख्याल में आएगी। हम पढ़ो पढ़ो इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपी का टीका में आचार्य अमृत चंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, मैं शरीर वाणी और मन को परद्रव्य के रूप में समझता हूँ, इसलिए मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है, मैं उन सबके प्रति अत्यंत मध्यस्थ हूँ। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, वस्तुतः मैं शरीर वाणी और मन के स्वरूप का आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बिना ही वे अपने स्वरूप को धारण करते हैं, इसलिए मैं इन शरीर आदि का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। इसी प्रकार मैं शरीर वाणी तथा मन का कारण रूप अचेतन द्रव्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कारण हुए बिना ही वे कारणवान हैं, इसलिए मैं उनके कारण पने का पक्षपात छोड़कर अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ। क्या फर्क है ऊपर के वाक्य, पहले वाक्य में और दूसरे में? पहले इधर वाले जी है ना, टीका के पहले दूसरे वाक्य बोल रहा हूँ, शुरू से नहीं, माने पहला वाक्य काय का था, स्वरूप का, दूसरा वाक्य काय का है, कारण का, तीसरा वाक्य काय का होगा, अनुमोदक का। तो ऐसे जो एक एक शब्द बदल करके ये वाक्य 10 बनेंगे, इनको गहराई से घर पर पढ़ना, यहाँ मैं पढ़ भी दूंगा कुछ नहीं होगा, फिर वहाँ पढ़कर फिर एक दो वाक्य इसमें देखना बनाते वक्त, फिर अलग कापी रखकर तो 10 ही वाक्य बनाना और फिर उन वाक्यों से इन वाक्यों से मिलाना, तो इसके थोड़ा बहुत अंतर पड़े लेकिन इसके नज़दीक हों भाव की दृष्टि से तो समझ लेना तुम्हारी समझ में आ गया। इतने मेहनत करोगे तो जो समझ में आएगा वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा, तुम्हें याद करना नहीं पड़ेगा। मैंने समझा भी दिया और तुम्हारी समझ में भी कुछ आ गया तो कुछ नहीं, भूल जाओगे। और अभी रही ये बात कि अभी इतनी मेहनत हम नहीं करें, काय को तुम हमें झंझट में लगाते हो, तो विद्यार्थियों को तो विद्वान बनना है तो उन्हें तो करना ही पड़ेगी, उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर बाकी के लिए तुम इतना ही समझ लो कि शरीर में नहीं हूँ तो काम हो जाएगा। ये जुदे हो तुम जुदे हो, शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, शरीर का कारण मैं नहीं हूँ, शरीर का अनुमोदक मैं नहीं हूँ,
मैं इतना समझ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने मूल मुद्दे की बात जो समझाना चाहते हैं वो तो ये है, हैं, जैसे वो तर्क से युक्ति से रिपीट करके, ये तो बिल्कुल बालबोधनी टीका है। एक बात को जरा सा बदलना है तो एक वाक्य में ही बदल सकते थे, लेकिन उनने अलग अलग वाक्य बनाए ना। देखो एक बड़ा वाक्य भी बन सकता है, मैंने नए चक्र में समय साथ टीका वगैरह में वो बना बना के बताए हैं। क्या ये जो बार बार शब्द रिपीट होते हैं ना, अकेले उनको नहीं बदलना है, पहली दफ़े एक दफ़े लिखोगे और बाकी भी जो बदलते हैं वो शब्दों को लिखते जाओ और पूरा एक बड़ा वाक्य बन जाएगा। वो कैसा बनेगा, कादंबरी जैसा, वो आधा पेज का बनेगा एक वाक्य, तो उसमें कॉमा फुल स्टॉप के अलावा फुल स्टॉप नहीं होगा, एक तरह से पैरा चेंज नहीं होगा, पूरा एक वाक्य में ही बन जाएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा बीच में। हैं, क्यों, क्या तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? एक ऐसा प्रयोग करना चाहिए तो ये हमेशा के लिए दिमाग में जम जाते हैं। मैं तो ये परीक्षाएं भी देता हूँ ना, एमए वगैरह की देता था तो मैं नोट्स बनाता था, तो नोट्स भी ऐसे बनते थे जैसे किताबें लिखी गई हो। और मैं बनाने में जो मेहनत करता था उससे मुझे याद हो जाते, मुझे नोट्स बनाऊंगा तो फिर परीक्षा के टाइम पर उसे पढ़ूंगा ना, फिर इसे याद करूंगा ना, लेकिन मैंने कभी देखे भी नहीं दोबारा, क्योंकि वो बनाते वक्त इतनी मेहनत हो जाती थी कि वो मुझे याद ही हो जाते थे, फिर वो उसी तरकीब से वो बना लेता था। क्या बिल्कुल जैसे किताब लिखी गई हो, बिल्कुल वैसी ये नोट सही है और क्या, आप व्यवस्थित ढंग से इसको ऐसा एक एक को लिखना तो अमृतचंद की शैली तुम्हारी समझ में आ जाएगी, तो उसकी तुम्हें सरलता ख्याल में आ जाएगी, एक वाक्य का अर्थ समझते ही नौ वाक्य का अर्थ समझ में आ जाएगा, आया ना समझ में? और अमृतचंद किस तरह लिखते हैं, जो तुम्हें कविताओं में बोलते हो ना, युगल जी कब बनाएंगे तो ऐसी कविता बनाएंगे, वो लड़की खड़ी है वो कैसे गिर रही है, क्यों और फलाना बनाए तो ऐसा ऐसा, आप कहेंगे कि इसकी टीका यदि अमृतचंद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप उस गाथा की टीका बिल्कुल अमृतचंद की शैली में लिख सकते हो। फिर कि जैसे लिखेंगे इस गाथा की टीका तो वे कैसी लिखेंगे, वो भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये, तरकीब में बता रहा हूँ ना तुमको, हैं, क्योंकि वो सब एक सुनिश्चित स्टाइल में बंधे हुए हैं। ऊपर जा कर के ऐसा कहा जाता है कि तुमने कालिदास पढ़ा, अरे यहाँ तो अपन कुंद कुंद कह दो ना, ये मुश्किल है, तुमने कुंद कुंद जी नहीं लगाए, श्रीमान मान कुंद कुंद जी ने कहा, ऐसा लिखूंगा तो किताब की मिट्टी बलित हो जाएगी ना, क्यों किताब में तो यही नहीं लिखा कि कुंद कुंद स्पष्ट लिखते हैं कि ये गाथा लिख देते हैं, तो कुंद कुंद लिख दे, ये कुंद कुंद लिख दिया, कुंद कुंद लिख दिया, क्या लिखें फिर? तो महावीर आज तक किसी ने कहा ना कि महावीर में जी क्यों नहीं लगाया, अरे महावीर जी बोलोगे तो रेलवे स्टेशन हो जाएगी क्या समझ रहे? तो वो ऐसा मतलब कालिदास पढ़ा, कालिदास पढ़ा का मतलब समझते हो आप क्या? कुंद कुंद पढ़ा यानी कुंद कुंद की लिखने की स्टाइल आप जानते हैं कि नहीं? यदि आपको ऐसा प्रश्न पत्र आना चाहिए उसका कि आप इस गाथा की टीका कुंद कुंद अमृतचंद की स्टाइल में लिखिए, जयसेन की स्टाइल में लिखिए, जयचंद छाबड़ा की स्टाइल में लिखिए, समझ नहीं ना, तो आप सबकी स्टाइल में वो टीका लिख लेंगे, वो कठिन काम नहीं है, तुम लोग प्रतिभाशाली हो, ये आए हो कितने 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 90 नंबर वाले, हम तो कहाँ 33 नंबर से मुश्किल में पास हुए होंगे है ना, मतलब इतने पहले कहाँ आते थे,
हिंदी में तो 100 में से 60 कोई किसी को देता ही नहीं था, अच्छे से अच्छा हो ऐसा मानते थे। हिंदी में इतने नंबर दिए जाते हैं क्या हैं? और आजकल 98, 97, 95 हम तो देख देख के हंसते हैं कि ये क्या हो गया है। यदि तुमने 98, 99 नंबर पा लिए फिर तुम उसके कितने बड़े विशेषज्ञ होना चाहिए, तो वो तो कुछ दिखता नहीं है, है? क्या अब पहले अच्छा था कि आज अच्छा था मैंने? लेकिन तुम लोग प्रतिभाशाली हो इतना भरोसा मेरे को हुआ है, इसलिए मैं आपको और गहरी गहरी बातें बताता हूँ। क्या कि वो टीका कैसे लिखी जाती है, कविता कैसे लिखी जाती है, हैं, छंद कैसे बनाए जाते हैं, नाटक कैसे लिखे जाते हैं, उनमें रस का परिपाक कैसे करना पड़ता है, उसका क्या महत्व है, ये बातें जो तुम्हें बीच बीच में बताता हूँ ना, तुम्हारे ये विद्वान बनने की निशानी है, तुम विद्वान बनने के काबिल हो इसलिए बताता हूँ, है ना? हो गया समय तो हो गया। Yeah.